मिथिला टीवी के तमाम दर्शक संग आजुक महिला अतिथि के स्वागत अछि। आजुक अतिथि छथि वाणी भारद्वाज बनारस संस्थापिका सखी बहिनपा फाउंडेशन, कल्पना झा जयपुर, फिल्म अभिनेत्री एमए इन डांस, रंजना मिश्रा दिल्ली रियल समाज सेविका। आजुक डिरेट के संदर्भ अछि महिला दिवस 2021 के उपलक्ष पर मैथिलानिक एक सफल डिबेट। विषय अछि चर्चा भेले गली गली पाठशाला में एली मैथिली, चर्चा भेले गली गली पाठशाला में एली मैथिली। प्रथम प्रश्न अछि एहि सफलता के क्रेडिट श्रेय ककरा देब। पूरक प्रश्न अछि कि आब रोजगार देती मैथिली। अंतिम सवाल के तौर पर अछि आब की चाहिए। आब हम अपन वक्तव्य दौर अपन काज दौर रहल छन उप संपादिका के। आप हम आमंत्रित कर रहल छन प्रथम वाणी भारद्वाज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर जी अहाँ के मिथिला टीवी के और हमरा संगे जे कल्पना जी और रंजना जी छथि बैठल उनका सबके हम नमस्ते करै छी सब गोटे के। हम वाणी भारद्वाज बनारस से बाजि रहल छी। पहिल प्रश्न जे श्याम सुंदर जी हमरा सबके समक्ष रखलथि है जे एकर क्रेडिट मैथिली के जे भाषा अयलै है पाठशाला तक अयलै है एकर क्रेडिट ककरा दैये, तो हम ए संदर्भ में ए विषय पर हम कह चाहे छी जे ए के तीन श्रेणी में क्रेडिट जते। पहिल जे शुरू से ए भाषा के जीवने एलखिन है बाजे देलखिन है अपन समाज में ए भाषा पर मतलब अपन भाषा के अपना में समाहित के नेलखिन है उनका पहल क्रेडिट देते हैं। जे अपना माटि से ओ जुड़ल अपन मातृभाषा की होइ छै, मातृभाषा जे हम अपन माँ के मुंह से सुनै छी भाषा और जे हम सीखै छी जे हमर वातावरण में रहै है ओ भेले मातृभाषा। तो हम अपन मातृभाषा के सुनै देलौं बजै देलौं से पहिल हुनका क्रेडिट देबै। दोसर क्रेडिट हम देबै हुनका सबके जे एहि भाषा के आंदोलन करैत एलखिन है ओ स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता से पूर्व के समय और स्वतंत्रता के बाद आज तक अहाँ ओकरा मिशन मिथिलाक्षर के लो लिया, अष्टम अनुसूची के लो लिया जे ओहि के लेल आंदोलन भेले है और जे सेंसर में सेंसस में जे अखन जनगणना में मैथिली में अहाँ जनगणना होय एकर जे भेले है एकर जे आंदोलन चल रहल छे और हम सब लगातार एहि पर लिखित कार्रवाई अभियान चला रहल छी आंदोलनकारी के मैथिली भाषा के आगू तक पाठशाला तक बढ़ेलखिन है। तेसर तेसर क्रेडिट जतन हुनकर ओ साहित्यकार के ओ आलोचक के ओ विश्लेषण करे वाला के जे हरदम अपन कलम में हुनका मैथिलिये लिखेलन है ओ मैथिली लिखित एला है हमरा सब लग ओ भाषा साहित्य मैथिली भाषा साहित्य से जोड़ने रखला है अपन एक एक लेख एक एक किताब पोथी पुस्तक लिखित ओकरा छपबे तेलाथ है भले पाठक रहो या नहीं रहो ओकर सेलिंग कम भेले या बेसी भेले ओ पक्का चल रहल छे नहीं चल रहल छे ओसे कोनो टा मतलब नहीं छन ओ अपन कार्य करित ला है। तो ई जे छे से ई क्रेडिट हुन ओ साहित्यकार के जेते ओ भाषा मनोवैज्ञानिक छथिन जे सामाजिक भाषा वैज्ञानिक छथिन सब जे छथि ई सब में मातृभाषा के माध्यम के जे बढ़ेने पढ़ौनी में आनलखिन है उनका सबके ई क्रेडिट जेते। जी एक दूसरो प्रश्न के हम उत्तर संगे द दिया आप नहीं आप हम आमंत्रित कर रहल छियै कल्पना झा के। नमस्कार, सबसे पहले मिथिला टीवी के संपादक संपादिका श्याम सुंदर जी विभाजी अहाँ के अभिवादन अछि, आभार अछि जे हमरा मौका देलहुँ। दोसर दुनू गेस्ट अतिथि जे छथि वाणी जी आ रंजना जी हुनका नमस्कार
मानी जी सब तो मुखातिब छी सखी बहन पापड़ जुड़ल छी हम हुनका संगे रंजना जी से पहले बेर भेंट भ रहल है। तेसर ओहि समस्त जनता के हम दऽ रहल छियनि मैथिली जनता के नमस्कार करै छियनि नमन करै छियनि जे हाँ आइ हमरा सुनि रहल छथि आ जे एतेक काज कऽ रहल छथि वर्षो सँ कऽ रहल छथि। रहल बात क्रेडिट के तो पहिने तो हम एकटा बात कहब क्रेडिट में तो बहुत लोग अबै छथिन किछु लोग छथि जे सामने छथि जेनाकि राइटर छथि मीडिया कर्मी छथि शिक्षाविद छथि अखन सोशल मीडिया भी है स्थानीय राजनेता छथि सरकार छथि सब छथि महिला वर्ग भी बहुत काज कऽ रहल छथि अखन वर्तमान में बहुत काज कऽ रहल छथि। लेकिन किछु एहनो लोग छथि जे बैकग्राउंड में छथि जिनका हम नहीं जानै छियनि जे नहि छथि सामने नहि आयल छथि लेकिन ओ काज बहुत कऽ रहल छथि। एहिमे हम सब अपना पिताजी के भी नाम कह सकै छी जे हमरा सबके ओहि समय में पढ़ेलनि 60-70-80 के दशक में हमरा डांस सिखाबै लेल केलनि जाहि समय में एक तरह से मतलब जहन हम डांस स्कूल में गेलहुँ तो चूंकि महिला दिवस पर भी एते लोग हम अहू बात के कनी राखा चाहै छी तो हमरा मतलब हम सब अपना गांव से छुपा के डांस सीखी बाबूजी डांस सिखाबै लेल एक बार भेज देलखिन जे कहलखिन जे अरे खेल में बच्चा सबके झगड़ा होइत रहै छै तो कहलनि कि हमरा में कनी डांस कराए तो कहलखिन जे अहाँ झगड़ा जे करो बच्चा सब संगे इससे बढ़िया अहाँ डांस स्कूल जाओ मोन हैत तो सीखब नहीं मोन हैत तो नहीं सीखब। तो हम सब किछु दिन तक गाँव के लोग से छुपा के रखलियै लेकिन जब हमरा में रहे वो चीज और हम तुरंत 6 महीना बाद डांस पर स्टेज पर करे लगलो डांस तो जहन स्टेज पर गेलहुँ तहन तो लोग जानबे करथिन केव ने केव अपन समाज के लोग रहते छथिन लेकिन हम ये कहब जो समाज ओहू काल में ये नहीं रहे हम सब अगर नहीं बढ़ित रही तो अपन कमी रहे समाजक नहीं समाज ओहू काल में जहन पता चल तो हमारा गाँव के लोग हमारा बहुत प्रेरित कल और हम आई जे भी छी हम मैथिल समाज से छी मैथिल समाज हमारा बहुत कलक आर हम ये कहब जो ये कहे जो महिला आगा नहीं बढ़लत या पाछा छथि नहीं मैथिल महिला के कहियो नहीं केओ रोकलकन वो जहन जे कर चाहलखिन केलखिन है से हाँ गार्गी से लक अखन तक के महिला के देखियन अपन जे अथी है अपन जे समाज है वही में जतेक मान हम तो हमू सब बहुत जगह घूमलू है देखलू है दिल्लियो में रहलू जयपुर में छी आई हम जयपुर से बाज रहल छी राजस्थान में छी तो हम बहुत महिला के बहुत ठाम देखलियन लेकिन जे मान सम्मान हम मिथिला के पुरुष के देखै छियनि महिला के लेल वो और जगह नहीं है तो कतौ अगर करय चाहै छथि महिला में छनि सशक्तिकरण छनि और वो करय चाहै छथि तो हुनका केओ नहीं रोक सकै छनि आ नहीं रोकै छथिन वो पूरा सहयोग हुनका समाज से भी भेटै छनि और घर से तो भेटते छनि। तेसर बात महिला में कनी रहे पहिने शुरू में रही महिला में कनी कटता जे आप शिक्षा भेला से महिला में भी वो चीज खत्म भ गेलै सबके हम देखै छियनि एक दोसर के बहुत बढ़बय चाहै छथिन आ बहुत आगा करै छथिन और ई चीज रह के चाहिए ई हम संदेशो देब चाहब। रहल बात क्रेडिट के तो क्रेडिट में तो बहुत लोग छथि बताए देलहुँ अब हम एहिमे ई बात जरूर कहब जे ओतेक बड़का चीज नहीं भेटल अपना सबके जाय के लेल एतेक खुश हुआ वाला बात छै किएक तऽ भोजपुरियो के भेटे ई तो नीति छन मोदी जी के पूरा अपन क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाएबा के तो ई पढ़ौनी के अगर केवल मैथिली में हमरा लिपि के साथ भेटत तखन हम बुझतिए जे हमरा बहुत बड़ा चीज भेट गेल। हम सब जते संघर्ष कऽ रहल छी हम 40 वर्ष से तो हम खुद देख रहल छी और खुद संघर्ष ई विषय पर कऽ रहल छी। हमरा याद है हमर बड़ी बहिन रहथिन हुनका एडमिशन भेलन मुजफ्फरपुर में MGM कॉलेज छै तो ओहिठाम मैथिली भाषा नहीं रहे मैथिली विषय तो यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर एगो रहथिन जब थी हुनका प्रेरित करथिन हरमोहन झा के कहानी सुनबथिन ग्रेजुएट पुतो और ये सब कथा सब सुनबथिन पढ़बथिन हम बच्चा रही उसमें सुनी तो हुनका प्रेरित करथिन हम मैथिली लिय हमर बाबू हुनका प्रेरित कलखिन जहाँ मैथिली लिय तो यूनिवर्सिटी गेलखिन फिर MGM कॉलेज के प्रिंसिपल उसमें ललिता रहथिन हुनका से भेंट कलखिन और विषय चालू करवेलखिन आई ओठा मैथिली के पढ़ाई है तो शुरू से मैथिली के पढ़ाई तो भय रहल है ये कोनो नया चीज तो नहीं भेटल है अखन जो हमरा जना कि स्कूली लेवल में नहीं चला 11-12 से अई हमरा सबके मैथिली हमहू सब मैथिली सीख रही ग्रेजुएट तक हम केने छी मैथिली सब तो साइड में म्यूजिक भी रहा एक विषय तो हमर कह के है जे जखन मैथिली छला है तो आब मैथिली नहीं भेटल है तो देवनागरी के साथ भेटा तखन ना बुझी मतलब देवनागरी के साथ भेटल है कि हम करू हमरा अगर मैथिली लिपि मिथिलाक्षर के साथ भेटा तखन हमरा खुशी के बात है क्रेडिट के बात है बहुत क्रेडिट नहीं देवा वाला विषय है। जी 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 मैडम
आप हम रंजना मिश्रा जी के आमंत्रित कर रहल छियन। रंजना जी नमस्कार। प्रणाम सब गोटे के। हम पहिल बेर अहाँ सबके समक्ष उपस्थित भेलहुँ हैं और बहुत नीक लागि रहल अछि। सब मिथिलानी बैसल छी और सबसे अति उत्तम लागि रहल कि जे आई मिथिला समाचार मिथिला टीवी पर हम बाजि रहल छी, तऽ हम अपना आपके बहुत गर्वित महसूस कर रहल छी। और साथ ही अहाँ दुनू गोटा के हम कल्पना जी और भारद्वाज जी के प्रणाम करै छी। नमस्कार हमर अहाँ सबके। और आई हमरा बड्ड नीक लागि रहल अछि कि अहाँ सबके समक्ष हम किछु अपन धारणा राखी। तऽ नारी शक्ति के जहाँ तक की बात कहल जाए तऽ नारी शक्ति में तऽ एकटा हमहूँ अबै छी, कैला नारी शक्ति हमरो के हमहूँ ओते बिहार से एलहुँ और बिहार में एक मामूली मतलब नहीं छी, कैले अपना अंदर यदि सहन शक्ति या सशक्त छी तो हम कमजोर नहीं छी। मिथिलानी के अंदर बहुत बड़का उद्देश्य रहै छन और मिथिलानी के अंदर गर्वो बड़ निक रहै छन। मिथिलानी के अंदर मतलब आत्मविश्वासो बहुत रहै छन, जना कि हम अपने बात कहबै। और हम सब महिला के एतबे कहै छन कि यदि वो अपना आप के सशक्त करै छथिन तो हुनकर परिवार जरूर सपोर्ट करै छन। हाँ, भ सकैया समाज में बहुत तरह के लोग रहै छथिन जे लमसम बहुत कम महिला के अपना घर से बाहर जा देलथि या अपना अपने ऊपर उनका जे छन कि गर्व रहलक कि तू कत मतलब अहाँ कतौ जायब, हम ऐ समक्ष छी, मगर आब ओ चीज के नहीं छे। तो महिला दिवस पर हम इतबे कह चाहब कि बहुत सशक्त भेलखिन महिला अपना मिथिलांचल और बहुत किछ उनका अंदर बात छन। तो हम अपना बारे में बता सकै छी? जी 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 कहल जाओ। बता सकै छी? हाँ, तो हमहू मतलब मधुबनी जिला आ गाँव आबाड़ी हमर नैहर भेल आ कोकन हमर मतलब सासुर भेल। तो हम ओते के ओता मतलब जे छै साधन नहीं चले, मगर विवाहित के बाद जे इंसान के बहुत बड़का काज आबि जाए छै, एक परिवार के बोझ आबि जाए छै। और दिल्ली में आबि कऽ हम महिला शिक्षा के ऊपर काज कर रहल छी, ओहिमे यूपी बिहार हर जगह के महिला आबै छथि और जिनका हम शिक्षा के माध्यम जे गांव में शिक्षित नहीं भ पेली हुनका शिक्षा प्रदान करै छियनि एक ट्रस्ट के माध्यम, और बहुत शिक्षित भेलैत है। हम देखबो केली ना कि ओ महिला सब बहुत आगू बढ़लखिन है और बहुत किछ केलखिन है। और आई 8 तारीख के 8 मार्च के फिर हम महिला शिक्षा के रैली निकालब और हुनको मतलब शिक्षा के माध्यम हुनका जे हम आगू बढ़ै छी और हुनका सशक्त करै छियनि। रोजगार के प्रति दोसर दोसर प्रश्न की मैथिली से रोजगार भेटत तो हम कह चाहब अहाँ सबके जे मैथिली पहिनेहो रोजगार देने छली और आबो रोजगार देती। जहिया 2004 में जखन अष्टम अनुसूची में आयल मैथिली और ओहिसँ यूपीएससी में भाषा के एकर भाषा राखल गेल, एक पेपर राखल गेल, तहियासँ आईपीएस आईएएस तक बननाइ शुरूए भेलथि है। ताहि के संगे मैथिली लैंग्वेज राजस्थानी लोग हरियाणवी यूपी के लोग बिहार के तऽ लैते छथि, अब ई लैंग्वेज सँ क्रैक केलथि है। और एहिमे रोजगार के जखन अवसर अवसर देखियो तो आब एहिमे कते तरह के वेरियंट कते वेराइटी एकर व्यापकता बढ़ते से हम अहाँ के बतबय चाहै छी। जखने लैंग्वेज मैथिली लैंग्वेज स्कूल में पाठशाला में या कॉलेज में या केंद्र में कतौ हेतै तो देखियो जे एहिमे किताब केना लिखल जेतै, लेखक हेथिन मैथिली माध्यम से ओकरा जे पढ़ायल जेतै से टीचर हेथिन ओ तऽ बाद में, लेकिन जकरा जेना प्रिंटिंग हाउस हेतै, टाइपिस्ट हेतै, अनुवादक के काज पड़तै। एहिमे जे मैथिली किताब जे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज से जे मैथिली अनुवाद कयल जेतै और हमरा सबके स्टूडेंट सबके हम ओ मुहैया करेबै,
तो इंग्लिश से मैथिली, हिंदी से मैथिली या और कोनो लैंग्वेज से मैथिली में अनुवादक हेते, फिर ओकर प्रूफ रीडर हेते, ठीक है, ओकर या हो गए सब, फिर समीक्षक हेते, विश्लेषक हेते, ते संगे एनसीईआरटी में जखन एकर पुस्तक समिति हेते तो ओकरा हेतु शिक्षक के अपॉइंटमेंट कैल जेते, ओहि पर काज शुरू हेते, ओकर एकटा लेखा तैयार हेते, कई संगे जखन हम टीचर के रिक्वायर देखबे तो बीएड स्कूल में, बीएड कॉलेज में मैथिली पढ़ा लेते, या नहीं तो जो टीचर के ट्रेनिंग देते तो पोस्ट जो टीचिंग ट्रेनिंग होते छे कई पर हुनका सबके ट्रेनिंग दे लेते हैं एक तरह से। और सबसे पहले सबसे अहम बात जे मिथिला टीवी अहा सब मैथिली में टीवी चैनल एते, मैथिली में एफएम रेडियो होते, मैथिली में घराना बन सके छे, मैडम छथिन अथी के डांस के तो बुझे छथिन मैथिली माध्यम से जे किताब लिखे थे ओ संगीत के लिए लिखे थे, ओ विज्ञान के लिए, अखने हम अखबार में देखलो है जे विज्ञान के किताब मैथिली भाषा में लिखायल जते, तो इस तरह के भेल। ओकर बाद एकर मल्टीमीडिया, एकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेहो मैथिली काज करती, जे अखन हम सब देख रहल छी हिंदी इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जे तो कतौ न कतौ ओहो में रोजगार के अवसर छै, आर बहुत एहन स्कोप छै जे हमरा अहाँ के नजर से हटल छै। जी मैडम, अब हम कल्पना मैडम के कहै छियै, मैम अहाँ अब किछु कहियो रोजगार देती मैथिली? बिल्कुल रोजगार देती, खूब बढ़िया से देती, बहुत तो जे मैथिल सब छे थी जे मैथिली लोग को पढ़ लेनी है, बहुत लोग एहनो छे जे मैथिली विषय लोग को एमए के लेन पीएचडी के लेन छे और लेई हुनका रोजगार नहीं भेटलन किया तो बिहारे भर में छे और बिहार में कॉलेज लेवल में छे मैथिली तो कते के भेटतन जॉब, तो जो अगर स्कूल लेवल में आबि जाइए तो हम तो बहुत के जॉब भेट सके छन, तो सबसे पहले तिनका टीचिंग जॉब भेट जात सबके और आई में पुरुष और महिला दोनों के भेटा है से बात। बानी जी कहलखिन बहुत निक बात जे हम कहे ला छलहुं है, हमर अपेक्षा छला जे कि जखन अहाँ तेसर क्वेश्चन के ई करब जे कि अहाँ की चाहै छी मैथिली से या आगा सरकार से, तो हमरा इच्छा रहे जे हम समस्त मैथिल समाज और सरकार से डिमांड करी, लेकिन बानी जी कहिए देलखिन तो हम ओहि बात के पहिने ही राखि रहल छी जे मैथिली संगीत के सेहो मौका भेटते मिथिला में, मैथिली जहने मैथिली बढ़त, जहने मैथिली भाषा बढ़त तहने मैथिली संगीत बढ़त, क्या संगीत मैथिली संगीत तो बहुत पाछा जा रहा है, अब मैथिली गीत गबै छथि लोग, ई नहीं छै जे नहीं गाबै छथि, खूब डालै छथि फेसबुक पर डालै छथि या चैनल पर डालै छथि जे भी, लेकिन वो गीत जे हमर सबके परम्परा छलै जे संस्कार है जोग उचती ग्वालड़ी ये सब गीत के तो लुप्त भेल जा रहा है, ये सब भेट नहीं रहा है, तो हम अपने चैनल के माध्यम से कहे चाहे छलहुं आ कहि रहल छी जे हमरा संगीत जेना अहाँ सब पेंटिंग के लेल काज केलिए, जेना आई मैथिली भाषा के लेल काज कर रहल छी, अहाँ मीडिया कर्मी के तो सबसे बड़ा योगदान रहै छै, इसमें क्रेडिट हुनका हम सबसे बेसी दै छी, किया तक केओ अगर लिखै छथि या केओ संगीत करै छथि किछु करै छथि ओकरा प्रचार प्रसार लोग तक पहुँचाबे के काज अपने के ही है, मीडिया कर्मी के ही होइ छन, जाय में सोशल मीडिया भी बहुत काज कर रहा है, अहाँ से बहुत काज कर रहा छी, मैथिली चैनल है या ललित जी के चैनल छन, सब बहुत बढ़िया काज कर रहा है, तो हम ये कह चाहब जेना अपने से पेंटिंग के आगा बढ़े लिया तहिना मैथिली संगीतों के आगा बढ़ाबी हो, चूंकि हम संगीत पर ही पीएचडी कर रहा छी मैथिली संगीत पर, तो हम खोज कर रहा छी तो हमरा पता चल रहा है जे मैथिली संगीत में काफी कुछ हमरा सबके मतलब पछुआल छी, नहीं भेट रहा है कई चीज, क्या तो हम डांस के लॉ के कर रहा छी तो डांस तो नगण्य है एक तरह से बुझू तो मिथिला में, कहीं हमरा कहलन भी पीएचडी गाइड जे अहाँ डांस किया लऽ रहल छी, मिथिला में तो डांस नहीं है, हमरा नहीं है तै लऽ रहल छी ओतः जो बच्चा सबके कुछ फायदा हुई हमरा केला से, आब हमरा पीएचडी करब कोनो एहन ही नहीं है, हम एहि दुआरे कह रहल छी जे मैथिली मिथिला के कुछ फायदा हुई, हमरा कोनो पर्सनल फायदा की है, हमर ज्ञान बढ़त बस एतबे है, हमरा नौकरी तो अब लेबाक नहीं, तै लऽ कऽ हम अहाँ से उम्मीद अपेक्षा है जे अहाँ संगीत के लेल भी करियौ, अपने आप रोजगार भेटतै सबके, जे पलायन कऽ गेल छथि कलाकार सब ओहो सब जेता तऽ एहिमे रोजगार तऽ भेटबे करत। जी हाँ जी जी मैडम बानी भारद्वाज जी अहाँ के आप किछ कह के मैडम और किछ कहबाक छै अहाँ के एहि विषय पर? तो बहुत नीक कहलखिन दीदी कल्पना जी, तो बहुत नीक कहलखिन जे मैथिली के लऽ कऽ जे मैथिली माध्यम आ भाषा अलग छै, मैथिली के माध्यम से संगीत के जे शिक्षा छै
से डांस तो बिल्कुल नगण्य छे जे अपना सबके नहीं छे, लेकिन हाँ गीत संगीत ई दूटा बहुत बहुत आगू बढ़े तो बेसी निक छे। आ दोसर आर किछ ने बहुत निकल के कल्पना जी, जी, जी। मैं वाणी भारद्वाज मैडम आप अपने ई बताओ जे आप मिथिला समग्र मिथिला के दृष्टिकोण से मैथिलानी भेला के हैसियत से आप की अपने चाह रहल छी, जे आप की सरकार से अपेक्षा है, आप की चाही? बहुत निक प्रश्न केलों है जे आप की चाही, मैथिली से हमरा सबके की उम्मीद आर हेबाक चाही। तो पहिल बात जे सेंसस में मैथिली सेंसस से जुड़े मैथिली जनगणना अपन सबके मैथिली में होई, जे लैंग्वेज अपन सबके आर आर क्षेत्र में देखबे जे जे रीजन में होई छे त ओई के रीजनल लैंग्वेज आबि जाय छे उसके स्क्रीन पर, लाइक ट्रेन ट्रेन स्टेशन पर आबि जाय छे, एयरपोर्ट पर आबि जाय छे, ओतो हमरो सबके मैथिली लैंग्वेज आबे। उद्घोषण जेना शुरू भेल दरभंगा एयरपोर्ट पर सुनलियै तऽ बहुत खुशी भेल जे मैथिली में शुरू भेलै, तो ओहि ढंग से हरेक जगह हमर सबके मैथिली के प्रचार हुए। आ प्रवासी लोग जे मैथिली अब गाम से उपटि कऽ प्रवास करै छथि, देश विदेश जाय छथि, ओ लोग फेर जब गाँव से आबै छथि ओ गाँव के जोड़ैत, फिर अपन भाषा के नहीं बिसरैत होत, और जे गाम में छथि से प्रवासी हेता ओहो नहि जोड़ैत, एक दूसरा के जोड़ कर राखैत। ई एकटा दोसर मिथिलाक्षर के जे प्रयास चलल है, अभियान चलल है, ओ अभियान कंटिन्यू रहे, एक एक गोटे के मिथिलाक्षर एबाक चाही अपन, तहन ओकरा कोई चीज की फील हेतै जे हाँ हमर हम सिखलहुँ है किछ। और सामाजिक संस्थान में मैथिली के सब जगह बढ़ावा। जी मैडम कल्पना जी अहाँ किछ कहना चाहै छी? हाँ जी, वह जे कहि देलखिन वाणी जी जे मैथिली लिपि के वह कहबा के चाचल लिपि के तो कनी जरूर भेटा, जना प्राइमरी में भी अगर हम मैथिली के लिपि के साथ शुरू करै छी बच्चा के तो ओ बेसी बढ़िया रहै छै। नमहर भेला पर कोनो चीज सीखै छै तो ओते कैच नहि कऽ पबै छै जते बच्चा में लोग करै छै। तो जना हम इंग्लिश के अगर हम लिपि सिखा सकै छी बच्चा के, हिंदी में सिखा सकै छी, तो नर्सरी के बच्चा मैथिली लिपि के नहीं सीख सकै छै? बिल्कुल सीख सकै छै। तो से हम कहब, और बाकी ठीक छै ओ कहिए देलखिन है। जी जी मैडम, रंजना जी, रंजना मैडम आप अहाँ किछ कह चाहै छियै हिनका दुनू गोटा के बात में? हिनका हम कह चाहै छियनि जे वाणी भरद्वाज जी जे मैडम कहलखिन है से वाकई बहुत बढ़िया बात कहलखिन है। मिथिलांचल के लेल भाषा बहुत ही जरूरी छे, और मिथिलांचल महिला भेलखिन, बहिन सब भेलखिन, वो मिथिला बाजत, और जेना एयरपोर्ट भ गेलै दरभंगा के या कहीं भी अपनो मिथिला के भाषा के जे बारे में अपना भाषा के बारे में देख और सुन बड मन खुश होइ छन। और टीवी समाचार के माध्यम से एता हमरा समक्ष देखाई दे छथिन, जना अखने मिथिला समाचार मिथिला टीवी, तो मन बड़ खुश हुई है। जना मैगजीन भ गए, मैगजीन में अपन भाषा के प्रयोग कर जाए, वही लेल बहुत मन खुश हुई है। मिथिलांचल महिला के अंदर जो गुण छन संस्कृति या बजना या टीचर के माध्यम, वो उनको वही लेल यदि मैगजीन में नाम अवन, क्लास में नाम अवन, टीचर में नाम अवन, तो बहुत मन वाणी भारद्वाज अपने तीनों अतिथि में सबसे सीनियर भेला के हैसियत से आप अपने एकर समापन कैल जाओ। अपने सबसे पैघ भेला के सबसे अनुभवी भेला के कारण महिला के विश्व महिला दिवस के अवसर पर मैथिलानी के ई डिबेट आई सफल डिबेट राखल गेल, प्रयोगशाला में एकटा राखल गेल छल, एकटा प्रयोग छल, ई उम्मीद नै छल कि जे मैथिलानी सब बैस कर डिबेट में शामिल हेती। कड़ी मेहनत करऽ पड़ल मिथिला टीवी के, कतेक हस्बैंड इंजीनियर अपना पत्नी के आवे से मना कऽ देलथि। सबसे पहिने तो अपने से धन्यवाद के पात्र छी, अपने के पति धन्यवाद के पात्र छथि, अपने के परिवार धन्यवाद के पात्र छथि, जे हमरा मिथिला टीवी के अइ लेवल तक पहुँचाबे में अपने सब सहयोग केलहुँ, तै के लेल अपने सब के बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में अपने एकरा समापन कैल जाओ। वाणी भारद्वाज
अहाँ के ई मुहिम बहुत नीक चलल है श्याम सुंदर जी और विभा जी, बहुत नीक डिबेट के विषय रखलहुँ हैं। हमरा लगे जे भाषा और ओकर माध्यम मिथिला मैथिली और मैथिली में लिखे के माध्यम ई हमरा सबके एक नव प्रक्रिया शुरू कैल जाए और हम सब जगह अपन रीजनल लैंग्वेज के बढ़ावा दी, अपन जे मिथिला के मैथिली जे देखियो जे डायस्पोरा जे कि भोजपुरी लैंग्वेज के बहुत क्लेम करै छै जे हम सब जतौ जाइ छी ओकरा डायस्पोरा में, तेना हम सब मैथिली के देश विदेश में अपन झंडा फहराबी, एहि चीज के आनबा चाहिए हमरा सबके। और हम सब मिथिलानी के सब मैथिल के ये आग्रह करे छियन, आह्वान करे छियन जे अहाँ सब अपन अपन क्षेत्र में जतौ जतौ छी मैथिली के लेल बेसी नहि तो अपना अधिकार क्षेत्र के बढ़ावा दियो, अपन जे एटमोसफेयर में मैथिली बनाओ, रास्ता पेरा एक दूसरा के देख कर जब बुझ गए हो जो मैथिल छथिन या कोनो जात के छथिन हुनका सब मैथिली में बाजू, फुटले फुटल सही, अइ सब मोटिवेट होइ छे लोक। और बहुत नीक छे जे हमर सबके जे इंडियन लैंग्वेज में ही बहुत व्यापक स्तर में आप पढ़ल जात धीरे धीरे, समय जरूर लगले है लेकिन हम सब अनवरत एकरा बढ़वे के प्रक्रिया में लागल रह। हे प्रत्यक्षदर्शी, जो अपने के ई वीडियो नीक लागल तो तत्क्षण सब्सक्राइब कैल जाओ।